प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को जिले को बड़ी सौगात देते हुए बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के बाल रोग संस्थान में 300 शय्यायुक्त कोविड वार्ड बीएसएल 3 लैब 100 बेड पीजी हॉस्टल तथा गेस्ट हाउस का लोकार्पण किया। लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनिर्मित वार्ड का निरीक्षण किया और वहाँ की व्यवस्थाओं की जानकारी हासिल की। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समय सीमा के अंदर पूर्वांचल वासियों के लिए इस कोविड अस्पताल का निर्माण किया गया है। साथ ही यहाँ प्रदेश का पहला वायु सेफ्टी लेवल 3 लैब आरंभ हो रहा है। इसके अतिरिक्त 100 बेड छात्रावास तथा बीआरडी मेडिकल कॉलेज का गेस्ट हाउस भी लोकार्पित किया गया है। कोरोना काल में इन सभी की बहुत उपयोगिता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस पूरे परिक्षेत्र में लेवल 3 का बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 200 बेड का अस्पताल था। 300 अतिरिक्त बेड के अस्पताल की स्थापना से बेडों की संख्या बढ़कर 500 हो गई है। इस कोविड अस्पताल में 100 बेड का आईसीयू तथा 200 आइसोलेशन बेड है, जिसमें 72 वेंटिलेटर, 50 HNFNC तथा 200 इन्फ्यूजन पंप सहित मोबाइल डिजिटल एक्सरे मशीन, पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन सहित मॉनिटर, पल्स ऑक्सीमीटर सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा 300 बेड के चिकित्सालय के निर्माण हो जाने से गोरखपुर तथा आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को बेड उपलब्ध कराया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड किसी एक विभाग की लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश एवं देश की लड़ाई है, जिसमें आम जन के साथ साथ सभी को एकजुट होकर लड़ना है और लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। इस मौके पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बहुत मिलेगा सर सर आईसीयू बेड बढ़ाने के लिए सर वो बेड लिफ्ट है सर, और उसके ऊपर प्रथम दो है प्राप्त है सर, टोटल सर 15 लेकिन 9 8 हो गई है। सर 2017 तक मैं तो अभी आपको रेट हो गया 1000 नए रेट हो गए सर, 200 मिले में सिखाई और सर 159 उत्तर प्रदेश
पुलिस शासन लखनऊ डॉक्टर रजनीश दुबे सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे आके स्वागत भाषण दें। आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में आयोजित इस विशेष सभा में हमारे बीच उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे प्रेरणा स्रोत परमादरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंचा सिंह, यहाँ के माननीय स्थानीय सांसद रवि किशन जी, जिले के उपस्थित सम्मानित विधायकगण, मंडलायुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, उपस्थित सभी डॉक्टर्स, नर्सेस और अन्य मीडिया बंधु साथियों, आज ये हर्ष का विषय है कि गोरखपुर में प्रदेश का सबसे बड़े कोविड चिकित्सालय का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों से किया गया है और इसी के साथ कोविड-19 से जो उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 6 माह से लड़ाई चल रही है वो और एक निर्णायक मोड़ पर आ गई है और आज 500 बेड के साथ ये प्रदेश का सबसे बड़ा क्रियाशील कोविड चिकित्सालय बन गया है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भ्रमण के दौरान निर्देश दिए हैं कि ICU की बेड की संख्या यहाँ और बढ़ानी है। अभी वर्तमान में यहाँ पर जो PMSSY ब्लॉक में संचालित हो रहा है कोविड चिकित्सालय, उसमें 65 ICU के क्रियाशील बेड हैं। इस प्रांगण में अभी 100 ICU और 200 आइसोलेशन के साथ वर्णन किया गया है, जिससे कुल मिलाकर ICU बेड की संख्या 165 हो जाती है, जो प्रदेश के किसी भी मेडिकल कॉलेज या किसी भी फैसिलिटी में सर्वाधिक है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार इसमें जो आवश्यक उपकरण थे, ऑक्सीजन प्रणाली है, ट्रेंड स्टाफ है, रेजिडेंट्स हैं, उनकी भी व्यवस्था कर ली गई है और मुझे विश्वास है कि गोरखपुर ही नहीं, बिहार और नेपाल के शहरों में भी एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि आज प्रदेश की प्रथम PSLC लैब राजकीय मेडिकल कॉलेज की कोविड के बाद यहाँ स्थापित हुई है आपके मार्गदर्शन में और उसमें भी कल से टेस्ट प्रारंभ हो जाएंगे। इसी के साथ ये 100-bedded बॉयज हॉस्टल और ये गेस्ट हाउस भी यहाँ पर संचालित हुआ है, जिससे BRD मेडिकल कॉलेज को एक राष्ट्रीय स्तर की पहचान बनाने में मदद मिलेगी। संक्षेप में अधिक कुछ न कहते हुए सिर्फ मैं ये कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 चीजें कही थी। पहला, हर मंडल में हर जिले में एक लैब हो जाए और बस्ती आजमगढ़ क्लब की लैब का 31 अगस्त को आपने शुभारंभ किया, जिससे प्रदेश के हर मंडल मुख्यालय पर हर मेडिकल कॉलेज में एक लैब स्थापित है। द्वितीय, जो हमारी डेथ रेट है वो कम होनी चाहिए और आज ये खुशी की बात है कि जहां भारतवर्ष की डेथ रेट 1.8% है, वहीं उत्तर प्रदेश की जो केस फेटालिटी रेट है वो 1.5% है, जो बताती है कि मैनेजमेंट कितना दुरुस्त चल रहा है। और गोरखपुर में ये केस फेटालिटी रेट मात्र 1.2% है, इसमें ये एक संतोष की बात है। लेकिन अभी आगे चुनौतियाँ हैं, उसको मैं जैसा भी आदेश होगा मेडिकल एजुकेशन की टीम से पूरा करेगी और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूँ, सभी जनप्रतिनिधियों का स्वागत करता हूँ और इसी के साथ अपने जाने को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। अब हम माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करती हूँ कि वे हम सबको अपने आशीर्वचनों की गंगा से अभिसंचित होने का सौभाग्य प्रदान करें और हमारा मार्गदर्शन करें। गोरखपुर में एक साथ 300 बेड्स के डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के उद्घाटन, सौ बेड्स के PG हॉस्टल, BSL 3 बेड और गेस्ट हाउस के लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री रवि किशन जी, बांसगांव के माननीय सांसद
श्री कमलेश पासवान जी, गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, माननीय विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री जितिन सिंह जी, श्री शीतल पांडे जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री रजनी दुबे जी, गोरखपुर के मंडलायुक्त, गोरखपुर के जिलाधिकारी, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य समेत बीआरडी मेडिकल कॉलेज के सभी फैकल्टी मेंबर्स, नर्सिंग स्टाफ और इस पैरामेडिक्स से जुड़े हुए सभी यहाँ पर कोरोना वॉरियर्स, एक निश्चित समय सीमा के अंदर पूर्वांचल वासियों के लिए इस डेडिकेटेड 300 बेड कोविड हॉस्पिटल के को तैयार करने के लिए मैं चिकित्सा शिक्षा विभाग को, स्थानीय प्रशासन को और बीआरडी मेडिकल कॉलेज प्रशासन को हृदय से धन्यवाद देते हुए यहाँ के जनप्रतिनिधियों को और पूर्वांचल की जनता को इन 300 बेड के डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल को समर्पित करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। प्रदेश का पहला बीएसएल 390 आज हम बीआरडी मेडिकल कॉलेज से प्रारंभ कर रहे हैं। पीजी छात्रों के लिए 100 बेड का एक हॉस्टल का लोकार्पण के साथ ही बीआरडी मेडिकल कॉलेज का गेस्ट हाउस, इन सब की क्या उपयोगिता होती है। हम लोगों ने कोविड-19 के इस कालखंड के दौरान इसका अनुभव किया होगा। कोविड-19 के दौरान हम सब जानते हैं कि तीव्र संक्रमण को देखते हुए जिस प्रकार की स्थितियां थी वह किसी से छुपी भी नहीं है। व्यक्ति संक्रमित है या नहीं है ये जानने के लिए उसको क्वारंटीन सेंटर में ले जाना, अगर वह कोरोना पॉजिटिव आ गया तो उसको आइसोलेशन वार्ड में ले जाना, आइसोलेशन वार्ड या कोविड हॉस्पिटल में जो भी वहां पर कार्य करने वाले चिकित्सक और पैरामेडिक्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, ये भी वहां पर कार्य करने के बाद सीधे अपने परिवार के पास नहीं जाएंगे, बल्कि इन्हें भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना होगा। इस दृष्टि से उतनी जगह की आवश्यकता, जहां हॉस्टल हैं हॉस्टल में, सेपरेट गेस्ट हाउसेज हैं सेपरेट गेस्ट हाउसेज में, जहां होटल हैं वहां होटल में उनकी व्यवस्था की गई। और आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज में चार चार चीजें एक साथ हम लोग समर्पित कर रहे हैं। इससे पहले यहां पर इस पूरे परिक्षेत्र में गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के अंदर लेवल 3 का एकमात्र हॉस्पिटल बीआरडी मेडिकल कॉलेज का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक था, उसमें केवल 200 बेड्स थे। 200 बेड्स में से हमारे पास केवल 20 आईसीयू बेड थे। आज हमारे पास बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 70 आईसीयू बेड्स हैं केवल कोविड के लिए, और आज एक साथ यहां पर हम 300 बेड जो कोविड हॉस्पिटल यहां पर उपलब्ध करा रहे हैं, इसमें 100 केवल आईसीयू बेड दिए जा रहे हैं, 200 आइसोलेशन बेड दिए जा रहे हैं, यानी इसकी क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया गया है। एक दूसरा, कोविड के उपचार में जो सबसे बड़ा मददगार होता है वह है HFNC, हाई फ्लो नेजल कैनुला। दुनिया के अंदर इसके बहुत अच्छे और चमत्कारिक परिणाम इसके आए हैं। हमने 50 यहां पर इस बीआरडी मेडिकल कॉलेज के इस नए कोविड हॉस्पिटल में ये उपलब्ध करवाया है, और साथ साथ 50 वेंटिलेटर
वेंटिलेटर भी दोनों हैं, बेगर के भी हैं और बेल के भी हैं। बेल में यह सुविधा है कि उसको हम एचएफएमसी मोड में भी उसको संचालित कर सकते हैं। यानी अब गोरखपुर में गोरखपुर बस्ती कमिश्नरी के साथ साथ आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए भी पर्याप्त मात्रा में आईसीयू बेड्स और आइसोलेशन बेड्स उपलब्ध करा सकते हैं। एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल इस दिशा से बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, 100 बेड के हॉस्टल के साथ ही यहां पर गेस्ट हाउस के प्रारंभ होने से इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में चिकित्सा पैरामेडिक्स के लिए भी पर्याप्त सुविधा इस कैंपस में उपलब्ध हो जाएगी। कोविड के खिलाफ देश की इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है कि किसी एक व्यक्ति और केवल किसी एक विभाग की लड़ाई नहीं है, पूरे देश की लड़ाई है। और देश की लड़ाई में हर संस्था, हर व्यक्ति, हर परिवार, हर नागरिक को आगे बढ़कर के इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के क्रम में आज हम सब यहां पर आए हैं। प्रदेश की एक नई लैब BSL 3 लैब आज हम बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उद्घाटन कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि इस समय 3 प्रकार के टेस्ट की सुविधा हमारे प्रदेश में है, एक RT-PCR की, दूसरी ट्रूनेट मशीन से, तीसरा एंटीजन टेस्ट से। जिस समय प्रदेश में कोविड का प्रचार आया था, कोविड का पहला केस देखने को मिला था, उस समय प्रदेश में टेस्टिंग क्षमता हमारे पास केवल एक भी जगह नहीं थी। 23 मार्च को हम लोगों ने पहली लैब KGMU में प्रारंभ की और KGMU की पहली लैब से केवल 72 टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता हमारे पास थी। और मुझे बात बताते हुए प्रसन्नता है कि कल प्रदेश में एक दिन में 1,55,000 से अधिक टेस्ट एक ही दिन में हुए हैं। ये प्रदेश के अंदर कोविड के खिलाफ प्रदेश की लड़ाई को किस मजबूती के साथ लड़ा जा रहा है उसका परिणाम है। 24 करोड़ की आबादी के प्रदेश में मृत्यु दर और कोविड की पॉजिटिविटी रेट, इन दोनों को हम लोगों ने देश और दुनिया के तमाम बड़े देशों और प्रदेशों की तुलना में काफी न्यूनतम रखा है। यह है टीम वर्क। हर एक विभाग, हर एक व्यक्ति जब अपने अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा तो उसके परिणाम उसी रूप में सामने आएंगे। और उसको उस रूप में करते हुए आज यहां पर हम लोग एक BSL 3 लैब का भी यहां पर उद्घाटन कर रहे हैं। निश्चित ही यह कंफर्मेशन टेस्ट की दिशा, कंफर्मेटरी टेस्ट के बारे में जो हमें एक अच्छी रिपोर्ट यहां से मिल सकती है या बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मिल सकती है। और उस दिशा आज सुविधा यहां पर पूर्वांचल वासियों को प्राप्त हो रही है। मैं आप सबसे आह्वान करूंगा, एक कोविड हॉस्पिटल में कार्य करने वाले हमारे कोरोना वॉरियर्स और जितने भी हमारे चिकित्सक हैं, पैरामेडिक्स हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, सबका आह्वान करूंगा कि मानवता की सेवा करने का एक अवसर आप सबको प्राप्त हुआ है। लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है, पिछले 6 महीने से हम एक ही अभियान के साथ जुड़े हैं, पूरी तत्परता के साथ जुड़े हैं। ये जानते हुए भी कि कोरोना का संक्रमण है, उस तीव्र संक्रमण को देखते हुए अपनी जान को जोखिम में डाल करके भी हमारे कोरोना वॉरियर्स पूरी तत्परता के साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई को लड़ते हुए आज जिस एक नई मुकाम को आप छूने के लिए तत्पर दिखाई दे रहे हैं, मेरा आप सबसे आग्रह होगा, जब तक वैक्सीन या कोई दवा नहीं आती है तब तक हम सबको इस लड़ाई को आगे इसी रूप में लड़ते हुए कार्य करना होगा। यह मानना चाहिए कि ईश्वर ने सेवा का एक अवसर दिया है। जब मरीज के पास उसका परिवार का सदस्य नहीं जा सकता, उसका नजदीक का कोई व्यक्ति नहीं जा सकता, तब आपको पीपी किट पहन करके N95 मास्क लगा करके उसके पास जाना है, उसका हालचाल लेना है, उसको सांत्वना देनी है और साथ साथ उसको स्वस्थ करके वापस घर भेजना है। एक बहुत बड़ी गुरुत्वाकर्षण आपके पास है, यानी केवल डॉक्टर और पैरामेडिक्स का ही नहीं,
परिवार के एक सदस्य के रूप में भी आपको उस भूमिका का निर्वहन वहां पे करना है, और जिससे जिस बड़ी भूमिका के साथ आपको ये कार्य करना है, इसी दृष्टि से मैं आपको आह्वान करने के लिए आया हूं। हमारा प्रयास होना चाहिए हर हाल में हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। सीनियर फैकल्टी वार्ड में गेट टू गेट राउंड लें, जहां पे आवश्यकता पड़ती है कि कोविड और नॉन कोविड के लिए आपके पास सीमित संख्या में सीनियर फैकल्टी है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए हम लोगों ने लखनऊ से SCPGI और KGMU की सीनियर फैकल्टी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेकर के प्रतिदिन प्रत्येक कोविड हॉस्पिटल को उसके साथ जोड़ने का कार्य किया है, और मैं चाहूंगा कि हम लोग इस कार्य को वहां पर करें, पूरी मजबूती के साथ करें। डॉक्टर्स का रहो, बेडों पर रहो, एक एक मरीज से हाल चाल लिया जाए। पैरामेडिक साहब, नर्सिंग स्टाफ, टेक्नीशियन ये भी अगर वार्ड में है तो वार्ड में उपस्थिति और एक एक व्यक्ति को देखना डेथ रेट को कंट्रोल करेगा। व्यक्ति के मन में एक नया विश्वास शासकीय व्यवस्था के प्रति फिर से जागृत होगा, और साथ साथ मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए भी आपको जो एक अवसर प्राप्त हुआ है, ईश्वरीय कृपा जो प्राप्त हुई है, इस कृपा के माध्यम से हम लोग स्वयं के जीवन को भी यशस्वी बना पाएंगे। ये कार्य हमें पूरी तत्परता के साथ करना, प्रशासन का काम, मेडिकल कॉलेज में कोई पेशेंट आ गया, यहां साफ सफाई की व्यवस्था, पेशेंट को समय पे भोजन मिल जाए, साफ सफाई की व्यवस्था ठीक रहे, उसको किसी प्रकार की असुविधा न हो, लेकिन साथ साथ एक बड़ी संख्या होम आइसोलेशन में भी है। होम आइसोलेशन में रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों से दिन में 2 बार कम से कम संपर्क होना, उनका टेम्परेचर और उनका ऑक्सीजन लेवल नाप करके अगर किसी को कोई परेशानी है तो उसे तत्काल हॉस्पिटल पहुंचवाने की व्यवस्था करना, डोर टू डोर सर्वे को आगे बढ़ाते हुए हमारा प्रयास, प्रशासन का प्रयास होना चाहिए कि डोर टू डोर सर्वे करते हुए हमारा प्रयास होना चाहिए कि कोई भी सस्पेक्टेड केस मिले उसका कोविड जांच करा देना, और कोविड जांच कराने के बाद अगर वह पॉजिटिव आता है तो उसके कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग को पूरी मजबूती के साथ करते हुए हम लोग कोरोना की चेन को हर एक स्टेज पर रोकने का कार्य करेंगे, तो कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई विजयी होगी, कोरोना परास्त होगा, भारत विजयी होगा, और इस भाव के साथ हम सबको कार्य करना होगा। एक बड़ी लंबी लड़ाई है, पूरी मजबूती के साथ लड़ी जाने वाली लड़ाई है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हमें कॉमन मैन का ध्यान रखना होगा, एक सामान्य नागरिक का ध्यान रखना होगा, उसके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए सारे प्रयास करने होंगे, और उस प्रयास के क्रम में हम सब इस बारे में तैयारी करें कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्तर पर कोई परेशानी न हो। अब हम लोग चतुर्थ चरण में हम लोग आ चुके हैं। मैं प्रशासन से कहूंगा कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर के बाकी अन्य क्षेत्रों में हमें सभी गतिविधियों को प्रारंभ करवाना चाहिए। कोविड हॉस्पिटल के साथ साथ नॉन कोविड हॉस्पिटल में भी सावधानी बरतते उनको भी हमें पूरी छूट देनी चाहिए। यह लॉकडाउन के द्वितीय चरण से ही प्रारंभ हो चुका था, टू नाइट मशीन बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने अपने यहां रखी दी है, एंटीजन किट उपलब्ध करा करके उन्हें भी एंटीजन टेस्ट की सुविधा, उसका दुरुपयोग न हो, लेकिन उसकी सुविधा का लाभ लोग दे सके, प्रत्येक पेशेंट को उसका लाभ दे सके, ये भी हम करें। होटल और रेस्टोरेंट के बारे में हमें ये सुविधा देनी चाहिए। अब होटल और रेस्टोरेंट को बहुत दिनों तक आप बंद नहीं रख सकते, सावधानी के लिए जो भी आवश्यक मेजर है इसके लिए आप उनके साथ बैठक करके तैयारी करें। मार्केट को भी अब 2 दिन नहीं 1 दिन बंद रखने की व्यवस्था, इसको भी आप स्थानीय स्तर पर तय कर सकते हैं कि केवल रविवार को रखना है या पहले जैसे कोई बृहस्पतिवार को रखता था बंद, कोई मंगलवार को रखता था बंद, कोई रविवार को बंद रखता था, किस रूप में करना है इसको तय करना, ये सारी चीजें आपको तय करनी हो। स्थानीय स्तर पर तय करते हुए आर्थिक गतिविधियों को भी तेजी से कार्य करना, जिससे अधिक से अधिक लोगों को रोजी रोजगार भी मिल सके, और साथ साथ हर व्यक्ति बचाव के बारे में भी, कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ने के बारे में भी जागरूक हो सके, लेकिन साथ साथ
अपनी आजीविका के प्रति भी वह आश्वस्त हो सके कि उसे कार्य मिल पाएगा, इसके बारे में हमें पूरी मजबूती के साथ स्थानीय स्तर पर अपनी रणनीति बनानी होगी। थोड़ी सी सावधानी और सतर्कता कोरोना से हर व्यक्ति को बचा सकता है। बीमारी का उपचार से महत्वपूर्ण बचाव है और यह बचाव का कार्य प्रशासन के स्तर पर होना है। बीमार हो जाएगा तो उसके बाद प्रशासन और फिर मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल्स की बारी आती है, लेकिन प्रारंभिक रूप में हम सबको इसके बारे में जागरूक करना पड़ेगा। प्रदेश के अंदर पूरी मजबूती के साथ हम इस लड़ाई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समय पर निर्णय लेकर के भारत को एक सुरक्षित स्थिति में पहुंचाया, जिसके कारण अगर आप देखेंगे दुनिया के अंदर तमाम बड़े देशों की तुलना में भारत के अंदर पॉजिटिविटी रेट और डेथ रेट दोनों काफी कम है। लेकिन इसको और भी कम करने के समय हम सबको प्रयास प्रारंभ करने चाहिए। मैं आज के इस अवसर पर आप सबका आह्वान करूंगा कि हम भी कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में हर एक स्तर पर माननीय जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में, समाज के विभिन्न तत्वों, स्वयंसेवी संगठनों, सामाजिक संगठनों, इन सबको साथ में लेकर के व्यापक जागरूकता के कार्यक्रम का हिस्सा बने, भीड़ न होने दें, दो गज की दूरी का और मास्क जरूरी है इस बात का ध्यान रखते हुए हम लोग आर्थिक गतिविधियों को भी आगे बढ़ा सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर गोरखपुर समेत पूर्वांचल वासियों को जो ये 3-4 सौगात मिली है बिहारी मेडिकल कॉलेज में डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल का 300 बेडेड कोविड हॉस्पिटल में, जिसमें 100 बेड केवल आईसीयू के हैं, 200 आइसोलेशन बेड हैं, आईसीयू बेड बढ़ाने की क्षमता यहां पर है, इसको शीघ्र आगे बढ़ाने की कार्रवाई भी होगी। इसी प्रकार से बीएसएल हर 3 लैब भी यहां पर आज प्रारंभ हो रही है, गेस्ट हाउस और हॉस्टल ये भी एक साथ यहां प्रारंभ हो रहे हैं। मैं इसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों को, मेडिकल कॉलेज प्रशासन को और गोरखपुर तथा पूर्वांचल वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और मुझे विश्वास है कि हम सब इसका लाभ यहां के लोग लेकर के कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।